शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक तरफ जहां अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू है, तो वहीं शहर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। शहर के बड़कत चौक पर जगह जगह पर भगवे रंग के पताका, रंगीन रंगोली और भगवे झंडे, पूरी चौकन्नी सजावट की गई है। तो वहीं राम भक्तों ने मिठाई बांट कर लोगों का मुंह मीठा किया। पूरा शहर राममय हुआ है। राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिन का अनुष्ठान किया गया है। काशी और अयोध्या के 9 वेदाचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई, जो 6 घंटों तक चली। राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने रखी। अयोध्या में हुई ऑरेंज सिटी, मंदिरों चौराहों पर सजावट से सर्वत्र हर्ष दिखाई दे रहा था। ऑरेंज सिटी में उत्साह का माहौल था। पताकों से शहर के प्रमुख चौराहों पर पताकाएं लगाई गई, रंगोली सजाई गई थी। शहर के हर राम मंदिर में श्री राम धुन बजाई गई। चौक चौक में मिठाई बांटी जा रही थी। शाम को घर घर में 5-5 दिए जलाए जाएंगे। शहर के 300 स्थानों पर बजी राम धुन। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए 4000 जवान तैनात थे। कोविड संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटाई जा सकती है। इस दिशा में कदम उठाने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखे। खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि खुराफाती माहौल खराब कर सकते हैं, इसीलिए नागपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। शहर के संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने गश्त और नाकाबंदी भी बढ़ाई। ATS बम निरोधक दल और शहर पुलिस की QRT भी पूरी तरह से सतर्कता बढ़ते हुए दिखाई दी। नागपुर की यदि बात करें तो नागपुर ने हमेशा ही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। दर्शकों, इस समय में इनविजन की टीम बड़कत चौक पे खड़ी है। आप देखते हैं कि ये पूरा चौक पताकों से और झंडों से सराबोर हो उठा है। हर तरफ एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। और अब हम आपको यहाँ में क्या चल रहा है यहाँ पर, इसकी पल पल की जानकारी दे रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये वही बड़कत चौक है जहाँ पे भगवे झंडे पूरी तरह से लगाए गए हैं। इस चौक को सजाया गया है। यहाँ पे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है। जहाँ पे हमारी नजर जा रही है वहाँ पे बिल्डिंग हो या छत हो, हर जगहों पे झंडे दिखाई दे रहे हैं, पटाखे दिखाई दे रहे हैं, लाइटिंग भी सजावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चौराहों पे हर जगह पे कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से अयोध्या में जो अभी कुछ ही क्षणों में शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका क्रम में नागपुर शहर में भी इस तरह का यह आयोजन किया गया है, पूरे भारत वर्ष में यही माहौल है। और मध्य भारत का एकमेव केंद्र यानी ये बड़कत चौक, नागपुर का बड़कत चौक आता है। बड़कत चौक से ही हर राजनीति की शुरुआत होती रहती है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम लोग हैं। पुलिस का पुख्ता इंतजाम भी यहाँ किया गया है, क्योंकि 144 की धारा भी बरकरार है। इन्हें भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अब हम सीधा रुक करेंगे यहाँ पे। दर्शकों, हम आपको बताते कि इस समय में इनविजन की टीम बड़कत चौक पर खड़ी है और 12:44:08 पर शिलान्यास होने वाला है, जो कि 12:44:40 पे खत्म होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि 32 सेकंड का यह मुहूर्त निकाला गया है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों चांदी की ईंट रख कर यह शिलान्यास किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से शिलान्यास हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में उत्साह और माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में आज हम बड़कत चौक पे आए हुए हैं। अब यहाँ का किस तरह से कामकाज चल रहा है, इसके बारे में हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ में विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास, जो कि विधायक हमारे साथ में है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। गिरीश जी, ये बताए कि जिस तरह से ये जो शिलान्यास होने जा रहा है, किस प्रकार का माहौल है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, देश के प्रत्येक हिंदू के मन में प्रभु रामचंद्र के भव्य मंदिर के निर्माण की जो प्रारंभ शुरुआत पूजन आज हो रहा है, उसके प्रति बहुत बड़ा आनंद है। और आनंद की अभिव्यक्ति देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर हो रही है। आज पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में दिवाली मना रहा है, अपने घर में पूजा कर रहा है, गांव-गांव में मिठाइयाँ बट रही है, देश में मिठाइयाँ बट रही है। और दिवाली का माहौल जैसा होता है या प्रभु रामचंद्र के आगमन के समय जैसे अयोध्या सजी थी, वैसा पूरा शहर और गांव और देश सज रहा है। हमने सुबह महिलाओं ने यहाँ रंगोली डाली, वो हम देख रहे हैं।
यहाँ चौक के सारे मित्रों ने ये सजाया है, इसको हम देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद महाआरती है, उसके पश्चात आज यहाँ शाम को फटाखा शो भी यहाँ पर है। हम मिठाई बांटकर बाजे बजाकर इसका आनंद व्यक्त कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से बहुत आनंद की बात है। राम हमारे मन की आस्था है, राम राष्ट्र पुरुष है और राम इस देश की ऐसी शक्ति है जिसका एक बार मंदिर बन रहा है इसके बाद भारत का उत्थान होगा, भारत का पुनरुज्जीवन होगा, भारत की पुरानी वैदिक परंपरा संस्कृति का आनंद आएगा और ये सब यह अभिव्यक्ति इस माध्यम से हो रही है और आज हम ये माहौल पूरे देश में देख रहे हैं। गिरी जी ये बता कि जिस तरह से धारा 144 अभी भी बरकरार है और लोगों का हुजूम काफी उमड़ चुका है, क्या कहना चाहोगे? देखिए धारा 144 की आज के दिन हम चिंता नहीं करते, पुलिस अपना काम करे, शासन अपना काम करे, हम हमारा काम करेंगे। प्रभु राम के लिए हमारे लाखों लोगों ने बलिदान किया है, 500 साल का इतिहास, और अगर प्रशासन या गृह मंत्री को यह भी नहीं समझता कि आज के दिन 144 धारा हटा देनी चाहिए, क्या बताना चाहती है सरकार? क्या 144 धारा उपयुक्त है? ये निश्चित है कि कोरोना का काल है, संक्रमण का काल है, फिर भी ये आनंद फिर जो प्रशासन को करना करे, हमने तब भी जेल भोगी थी और आज प्रभु के लिए फिर हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए पूरे जय श्री राम के गूंज से पूरा क्षेत्र सराबोरों उठा है। तो आप तो गिरीशास जिन्होंने बखूबी बेबाक के साथ बात करते हुए ये कहा कि शिलान्यास के चलते जिस प्रकार से शहर में जो कामकाज किया जा रहा है उसी क्रम में बड़का चौक में भी किया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में उत्साह और माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं कोतवाली के PI भोसले हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, उनसे और भी कुछ बात करना चाहेंगे, आइए हमारे साथ। इस समय में हमारे साथ में विधायक प्रवीण दटके, उनसे जाना चाहेंगे। ये बताइए दटके जी कि किस तरह से ये कामकाज चल रहा है, कैसा लग रहा है आज, किस प्रकार का माहौल है? आज बहुत उत्साह का वातावरण है, आज अयोध्या ही नागपुर में अवतरी है ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। आपके माध्यम से जो कार्य सेवक अयोध्या गए थे उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। जो कार्य सेवक इस सारे आंदोलन में शहीद हुए उनको भावपूर्ण आदरांजलि प्रकट करता हूँ और इस पीढ़ी का भी बहुत भाग्य है कि इस पीढ़ी ने आंदोलन होते देखा और अब मंदिर बनते हुए हम देखने वाले हैं। बहुत उत्साह का वातावरण है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं नागपुर शहर के सारे राम भक्तों को, सारे समाज के नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं बिल्कुल, लोग जो है अपने नॉर्मल रूटीन है, अपना नॉर्मल काम का चल रहा है, सभी जो है वो दुकानें खुली हुई है, ट्रैफिक सामान्य है, सारी चीज़ें सामान्य तौर पे चल रही है और हम यही देख रहे हैं कि भाई कहीं कोई ऐसी ये ना हो, बात ना अनहोनी। सब आखिर का सवाल है कि जिस प्रकार से आप शहर का गश्त करते हुए नजर आ रहे, पूरे चाक चौबंद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, अब तक के शहर में ऐसा कुछ अनुचित घटना होने का कोई आसार हुए है क्या, कोई जानकारी है क्या? सारी चीज़ें सामान्य है, एकदम सब सारा नॉर्मल रूटीन है और सारी चीजें सामान्य है। धन्यवाद। तो आते IPS ऑफिसर नीलेश भर्रे साहब जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए कहा कि पुलिस का पूरा तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से की गए है। बड़का चौक से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, इनविजन न्यूज नागपुर।